नमस्कार दोस्तों, फ्री बिजनेस हेल्प में मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। नई पॉलिसी आई है मोदी सरकार की, स्क्रैप पॉलिसी। स्क्रैप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, पूरा डिटेल में समझाने वाले हैं। आपके पास क्या मौका है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है बिजनेस करने की, तो इसको हम समझाएंगे, इसमें बताएंगे कि कैसे आपके पास बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आई है काम करने की। और ये जो बिजनेस बताने वाला हूँ ना दोस्तों, बहुत मोटी कमाई वाला बिजनेस है, जिसको बोलते हैं ना, इस बिजनेस को करने वाले करोड़ों में कमाई करते हैं। करोड़ों में मतलब यहाँ पे अगर हम बात करूँ मेरे शहर की, हिसार हरियाणा की, तो यहाँ पे सेक्टर के अंदर मैंने देखा है, यहाँ हरियाणा के अंदर देखिए एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। लेकिन आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आपके एरिया में भी आप बहुत शानदार वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनकी 10-10 करोड़ की, 15-15 करोड़ की संपत्ति नॉर्मल है, जो स्क्रैप लाइन में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ जितनी स्क्रैप की आएंगी उनके पार्ट्स बिकेंगे। अब ये वर्क कैसे करता है इसको समझिए। अभी सरकार की पॉलिसी क्या है कि 20 साल से पुरानी किसी भी गाड़ी को पासिंग नहीं दी जाएगी, पेट्रोल की हो चाहे डीजल की हो। डीजल की गाड़ियों के लिए 5 साल की अवधि कम की गई है, यानी कि 15 साल लास्ट होती है। तो यहाँ पे पहले क्या चल रहा था कि लोग पासिंग करवा के और उसको चलाते रहते थे, तो अब उसके लिए प्रॉपर कानून आ गया है। कानून आ गया है तो सरकार खुद उस गाड़ी को खरीदेगी, स्क्रैप को खरीदेगी, और ख़रीदने के बाद में अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। अब स्क्रैप का बिजनेस बहुत ऊपर जाने वाला है। ये आइडिया आया कहाँ से, इसके ऊपर बात करते हैं। चाइना बहुत सालों से इस पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है और यहाँ पे इस पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि चाइना उस चीज़ में सक्सेसफुल रहा है। अब जो गाड़ी स्क्रैप हो गई, स्क्रैप में चलेगी, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या फ़ायदा होने वाला है जो लोग बिजनेस करेंगे। स्क्रैप बिजनेस में अगर आप आते हैं, हर एक पार्ट बिकता है इसका। आप सपोज़ कीजिए कोई स्क्रैप की गाड़ी आती है, 10 लाख की गाड़ी है, कबाड़ हो गई है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये में बिकती है, ठीक है। उसके जो पार्ट्स हैं, अब पार्ट्स पे अगर हम बात करें, एक गाड़ी में लगभग 58,000 पार्ट्स होते हैं, 58,000। कितने ख़राब हो गए होंगे, 1,000 2,000, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होते। तो आपके पास जो पार्ट्स हैं उनको, यूज्ड पार्ट को बेचने का मौका है। अब जो पार्ट मार्केट में मान लीजिए नया पार्ट है 1,000 का है, 1,000 रुपये का, आप उसको आसानी से सेकंड हैंड को 500 रुपये में बेच सकते हैं, आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा और सामने वाला जो अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने आया है उसका काम चल जाता है। तो इस पॉलिसी पे वर्क करेंगे। अभी ये चीज़ सरकार ने क्लियर नहीं की है कि वो सरकार खुद खरीदेगी या फिर उसके लिए किसी को हायर करेगी, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप कहीं भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो स्क्रैप बिजनेस में अगर आप आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरी जो है, मैं एक पूरा प्लेटफॉर्म भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देंगे तो मैं इस पर प्रॉपरली वर्क करूँगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आऊँगा। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिए दोस्तों, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करते रहिए सब्सक्राइब। अगर पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नए नए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी और आइडियाज़ आपको यहीं मिलते हैं। नए बिज़नेस आइडिया में, नई सरकारी योजना में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।